17 सीटों पर जीत का ताल कांग्रेस बनाया। बता दें कि कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे के बाद संभावित उम्मीदवारों को लिस्ट आई सामने। तय किए गए फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस पार्टी यूपी की 17 सीटों पर चुनावी की ताल ठोकेंगी। कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिक्स कॉरिडोर में देखा जा रहा है तो संभावित उम्मीदवार के नाम से जो क्षण सामने आए हैं उसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं। बता दें कि वाराणसी से प्रदेश में अजय राय हैं, वो सहारनपुर से बड़े मुस्लिम चेहरे इमरान सुईदू हैं और इसके लिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पे चेहरे और ज़्यादा सामने आए हैं, जो कि यहाँ पे अमरोहा से भाजपा के विकसित सांसद दानिश अली भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि भाजपा के हैं। वहीं कानपुर से अजय कुपुर के कहने के अनुसार यहां पे दिखाया जा रहा है कि मंथन उनके नाम से भी चला जा रहा है और इसको लेकर 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव मैदान में उतारे जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस जिन 17 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ाने वाली है उसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सिकरी और बांशवा गाँव, सहारनपुर, प्रयागराज और भी बहुत इसमें शामिल हैं। बीते दिनों यूपी प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने बड़ा प्रक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी के नेतृत्व विचार विमर्श के इसके बाद जल्द ही अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी करेगी। इसको लेकर बीते दिनों अखिलेश यादव 11 सीट का प्रस्ताव रखेंगे, उसके बाद भी देखा जाए तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी में अभी खास तौर पर कांग्रेस अपना गढ़ बना रही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो कर सकते हैं।